नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें हम लोग इतिहास, विश्व का इतिहास लिए हुए हैं, क्योंकि हम लोग भारत का इतिहास पूरा ख़त्म कर चुके हैं। विश्व के इतिहास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी अमेरिकी क्रांति के बारे में। आज बात करेंगे रूस की क्रांति। 19वीं शताब्दी में रूस में जार का राज्य था। 19वीं शताब्दी में रूस में जार का राज्य था, जिसमें कृषकों तथा मजदूरों पर अनेक अत्याचार किए, परंतु बोल्शेविक क्रांति 7 मार्च 1917 के बाद रूस से राजतंत्र समाप्त हो गया। बोल्शेविक क्रांति 7 मार्च 1917 के बाद, ठीक है, रूस से आपका राजतंत्र समाप्त हो गया। वहाँ का शासक लेनिन सामने आया, जिसने एक दल की सरकार तथा साम्यवाद को स्थापित किया। बाद में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा रूस ने आर्थिक प्रगति की और द्वितीय महायुद्ध के बाद वह एक विश्व शक्ति बन गया। सोवियत संघ के नेतृत्व में विश्व में साम्यवादी खेमा बन गया। वस्तुतः विश्व दो भागों में विभक्त हो गया तथा शीत युद्ध विश्व को आक्रांत करता रहा। दिसंबर 1991 में सोवियत गणराज्यों का विघटन हो गया और साम्यवादी शासन समाप्त हो गया। तो याद रखें, सोवियत संघ का गणराज्यों का विघटन कब हुआ? दिसंबर 1991 में उसकी इकाइयों ने स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया। 12 इकाइयां गणराज्यों ने मिलकर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS का निर्माण किया। अब बात करते हैं हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध आपका कब तक चला? 1914 से 1918 तक चला ये आपका। तो बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। जर्मनी का औद्योगिक देश बनना और अपने माल के लिए बाजार ढूंढना। दूसरा कारण था इसका, जर्मनी का इंग्लैंड के साम्राज्य तथा समुद्री शक्ति से द्वेष होना आदि इस महायुद्ध के निहित कारण थे। परंतु युद्ध का आरंभ ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर आक्रमण करके किया। तत्कालिक कारण क्या बना? ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण करके इसका प्रारंभ किया इस युद्ध का, क्योंकि एक सर्बियन ने ऑस्ट्रियन ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी थी। ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए जर्मनी युद्ध में कूदा और सर्बिया के साथ रूस आया। ऑस्ट्रिया की तरफ से कौन आया? जर्मनी। और सर्बिया की तरफ कौन आया? रूस। रूस की सहायता के लिए ब्रिटेन तथा फ्रांस आए और बाद में अमेरिका ने भी भाग ले लिया। किसकी? ऑस्ट्रिया की तरफ से, याद रखना। जर्मनी की सहायता के लिए तुर्की, बुल्गारिया तथा हंगरी ने की और मित्र राष्ट्रों की ओर जापान, बेल्जियम व इटली आए। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम की बात करें हम लोग, तो इस युद्ध में अनेक लड़ाइयाँ हुई, जिनमें कुछ जर्मनी तथा उसके साथी जीते, कुछ इंग्लैंड इंग्लैंड और उसके मित्र राष्ट्र जीते। कौन से मित्र राष्ट्र? अंत में जर्मनी की हार हुई और बादशाह गद्दी छोड़कर भाग गए। 11 नवंबर 1918 को 11 नवंबर 1918 को उसने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सूत्रीय शर्तों के आधार पर हुआ था। तो याद रखना, 11 नवंबर 1918 को। इसमें शर्तें थीं आपकी कि गुप्त कूटनीति का अंत, समुद्र की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आर्थिक रोकों का अंत, निरस्त्रीकरण, जनमत के आधार पर जनसंख्या का भविष्य,
लीग अथवा संघ का निर्माण तथा कुछ अन्य। 1919 ईस्वी में पेरिस में शांति वार्ता हुई और वर्साय की संधि हुई। 1919 में पेरिस में शांति वार्ता हुई और वर्साय की संधि हुई, याद रखना। 1920 ईस्वी में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? 1919 में। आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये डेटें याद रखना है और इसके बारे में जो पॉइंट हैं उन्हें याद रखना है। यूरोप देशों की सीमाएं पुनः निश्चित हुई तथा नए देश जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, एंटोनिया, लिथुआनिया आदि देशों का उद्भव हुआ आपका। चलते हैं हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध की बात। तो ये चला आपका 1939 से 1945 तक। सबसे पहले तो आपको इन डेटों को याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 तक, द्वितीय आपका 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। वर्साय की संधि अन्यायपूर्ण थी जिससे मित्र देशों को राजनीतिक व आर्थिक लाभ मिला, किंतु जर्मनी तो टुकड़े टुकड़े हो गए एवं उसे शस्त्र रहित और अपमानित भी होना पड़ा। जर्मनी में घोर आर्थिक संकट पैदा हो गया था। इटली में मुसोलिनी तथा जर्मनी में हिटलर के समय में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और फिर शक्तिशाली हो गए। जर्मनी को इंग्लैंड से व्यापारिक तथा साम्राज्यवादी द्वेष था, अतः उसने एलसेस, लॉरेन, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया पर अपना अधिकार कर लिया। इन्हीं सब कारणों ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया आपका। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 को करके की। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया 1 सितंबर 1939 को, क्योंकि पोलैंड ने उसे डेजिंग का बंदरगाह तथा पूर्वी पोलिश गलियारा के लिए मार्ग देने से मना कर दिया। इधर आपका इटली ने अबिसिनिया अपने अधिकार में कर लिया था और जापान ने चीन पर हमला कर दिया। फिर इन तीनों ने एक संधि कर ली जो एक्सिस यानी कि धुरी शक्ति कहलाने लगी। क्या कहलाने लगे? एक्सिस शक्ति। पोलैंड की सहायता के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तथा रूस आ गए जो मित्र राष्ट्र या फिर एलाइड कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? एलाइड। याद रखिए ये धुरी राष्ट्र हो गए और ये आपके मित्र राष्ट्र हो गए, एलाइड। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या रहे? इस युद्ध में अनेक लड़ाइयाँ हुई और करोड़ों व्यक्ति मारे गए, घायल भी हुए तथा बंदी एवं शरणार्थी बनाए गए। अनेक बच्चे अनाथ हो गए इस युद्ध में और अगणित यानी कि अनगिनत महिलाएं विधवा हो गई। जर्मनी के दो टुकड़े हुए तथा बर्लिन को भी बांट दिया गया। जापान में नागासाकी तथा हिरोशिमा पर एटम बम गिराए गए जिससे उसने आत्मसमर्पण कर दिया। नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए गए जापान। युद्ध 6 वर्षों तक चला। युद्ध कितने? 6 वर्षों तक चला है आपका। इसमें आपके ये भी पूछ लेता है कि जो जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे इनके बारे में भी पूछ लेता है। तो याद रखिए जो आपका हिरोशिमा पर बम गिराया गया आपका 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, और जो नागासाकी पर गिराया गया था ये आपका 9 अगस्त को गिराया गया था, यानी कि हिरोशिमा के 3 दिन बाद। हिरोशिमा और
नागासाकी पर परमाणु बमबारी आपकी 6 अगस्त 1945 की सुबह हुई आपकी। हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था इसे लिटिल बॉय नाम दिया गया। और 3 दिन बाद जो आपका अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैट मैन, कौन सा फैट मैन बम, परमाणु बम गिराया था नागासाकी पर। ठीक है, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रोजवेल्ट के संदर्भ में लिटिल बॉय, और नागा साकी के ऊपर जो बम गिराया गया विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैट मैन कहा गया इसे। क्या कहा गया? फैट मैन। ये युद्ध आपका कितने दिन, कितने साल चला था? 6 वर्षों तक चला। ठीक है, इस युद्ध का अंत हुआ था आपका 2 सितंबर 1945 को हुआ। इस युद्ध का अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ। इसमें आपके 61 देशों ने भाग लिया था। कितने? 61 देशों ने। अंत में युद्ध विराम अक्टूबर 1945 में हस्ताक्षर हुए युद्ध विराम पर। विश्व शांति की स्थापना के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो इसमें परिणाम क्या रहा था? मित्र राष्ट्रों का, राष्ट्रों की विजय हुई थी। ठीक है, तो ये थे आपका पहला और दूसरा विश्व युद्ध। ठीक, अब आगे हम लोग बात करेंगे विश्व के इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में। जो विश्व के इतिहास में प्रमुख युद्ध हुए उनके बारे में हम लोग जानेंगे।